नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको आने वाली CTET और UPTET एग्जाम 2019 या अन्य किसी भी स्टेट की टेट एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो इन प्रश्नों के साथ आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल कर पाते हैं, और आप अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए और हमारे साथ स्टार्ट कीजिए आज का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? चार विकल्प आपके सामने हैं, B.F. स्किनर, जॉन डीवी या एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। तो सही उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकेंड, जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं पर बल दिया था, और ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे, और इन्होंने इस प्रणाली का समर्थन किया था। और उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो कक्षा में जब प्रवेश लेते हैं तो उस समय उनका दिमाग जो होता है बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? चार विकल्प हैं, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे को कम गृहकार्य देना चाहिए, या थर्ड है इस स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, और फोर्थ है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, शिक्षक का फर्ज ये होता है कि सभी बच्चों को एक समान रूप से व्यवहार करे। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ है? तो संवर्धन का क्या अर्थ होता है? शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, सशैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, या थर्ड है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड स्तर में प्रोन्नत करना, या फोर्थ है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ जो होता है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले ग्रेड में या स्तर में प्रोन्नत करना, ये उसका संवर्धन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन थर्ड यहाँ हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर कौन सी गतिविधि जो रहेगी वो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, थर्ड है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या फोर्थ है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए जो गतिविधि हो सकती है वो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर पर्याप्त सटीक है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर एक मौलिक नाटक लिखना, ऑप्शन फोर्थ यहाँ हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो कौन सी यहाँ पर हो सकती है, वाचक, राजनीतिक, या शल्य चिकित्सक, या कवि? देखिए, बच्चा यहाँ पर शारीरिक गतिक बुद्धि रख रहा है, तो यहाँ पर बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर क्योंकि शारीरिक गति जो होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है उसके माध्यम से यहाँ पर जो बच्चा है वो हो सकता है शल्य चिकित्सक, ऑप्शन थर्ड होगा यह हमारा उत्तर। देखिए, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि की, तो शारीरिक गतिक बुद्धि के माध्यम से उचित संतुलन बनाए रखकर शारीरिक कुशलताओं का सही उपयोग किया जा सकता है, और शल्य चिकित्सक नर्तक एवं धावक आदि शारीरिक व मानसिक कुशलता का बेहतर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली निम्न में से किस कारण से होते हैं? अनुवंशिक रचना, पर्यावरण प्रेरणा, एक और दो के संयोजन, या फोर्थ है मनोसामाजिक कारकों से? तो देखिए, प्रतिभाशाली जो होते हैं वो अनुवंशिक और पर्यावरण प्रेरणा, ऑप्शन थर्ड जिसके अंदर एक और दो दोनों कथन यहाँ पर शामिल हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क में शामिल है, तो कौन इसमें शामिल है निगमनात्मक तर्क में? तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क, या ज्ञान का सक्रिय तथा पुनर्निर्माण, या अन्वेषण परक सीखना, आसोता परक, खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर होगा।
क्योंकि यहाँ पर तार्किक प्रक्रिया की बात हो रही है, तर्क की बात हो रही है। तो तार्किक प्रक्रियाओं में दो प्रकार के तर्क होते हैं, प्रेरक तर्क और निगमनात्मक तर्क। तो जो निगमनात्मक तर्क होता है उसे करने के लिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, तथा जो आगमनात्मक होता है या हम जिसे प्रेरक तर्क भी कह सकते हैं, उसमें विशेष से या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि निगमनात्मक तर्क में हम ऊपर से नीचे की ओर चलने वाले तर्क के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आंकलन का मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट है, यहाँ पर शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों से बेहतर जानते हैं, या सेकेंड है, छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड मिलने चाहिए, थर्ड है, विद्यालय परीक्षा के बाहरी निकाय की तुलना में अधिक कुशल है, और फोर्थ है, मूल्यांकन बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। तो निश्चित ही ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यह हमारा उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनात्मक आंकलन से संबंधित नहीं है? जो यहाँ पर रचनात्मक आंकलन से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो सकता है? परियोजना अवलोकन, या थर्ड है, विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, या खुले मत वाले प्रश्न? तो ऑप्शन थर्ड जो है, विद्यार्थी की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, ये रचनात्मक आंकलन से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कक्षा अध्यापक ने देखा कि राघव ने अपने कीबोर्ड पर स्वयं निर्मित मधुर संगीत कक्षा में बजाया, उसने सोचा कि राघव में रक्त स्थान बौद्धिकता उच्च स्तरीय है। तो राघव ने यहाँ पर संगीत बजाया, तो फर्स्ट है संगीत, सेकंड भाषाई, थर्ड स्थानिक, और फोर्थ है शारीरिक गति बोधक। तो निश्चित ही यहाँ पर राघव में संगीत बौद्धिकता जो है उच्च स्तरीय है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यह हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय छात्र के उच्च स्तरीय रंगमंची कलाकार बनने में सबसे कम प्रेरक है? तो यहाँ पर सबसे कम प्रेरक कौन सा हो सकता है? फर्स्ट है, उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। सेकेंड, छात्र को अपने थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी से संबंध विकसित करना चाहिए। थर्ड है, छात्र को उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना चाहिए जिनसे वह खुश होता है। और फोर्थ है, छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे रंगमंची कलाकारों के साहित्य को पढ़ने और सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो निश्चित ही यहाँ पर छात्र जो है उसे, जब छात्र के अंदर उच्च स्तरीय रंगमंची कलाकार बनने का सबसे कम प्रेरक सबसे कम जो होगा तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, उसे छात्रवृत्ति पाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करना चाहिए, ये उसके लिए सबसे कम प्रेरक यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से रक्तस्थान को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय, सेकंड है वेस्लर विनय, या थर्ड है बेले स्केल्स, और फोर्थ है रोसर्ग परीक्षण। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड, बेले स्केल्स, ऑप्शन थर्ड जो होगा ये, क्योंकि बेले स्केल्स जो है बुद्धिमत्ता का परीक्षण का उदाहरण नहीं है, इसका प्रयोग शिशु के अंदर भाषा और पेशी संचालन कौशल के विकास को मापने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? तो कौन सा कारक यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकता है? इसमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सेकंड है, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, थर्ड है, कक्षा का अधिकारवादी वातावरण, या फोर्थ है, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। तो बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, ऑप्शन फोर्थ जो होगा, क्योंकि जब कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होगा तो वहाँ पर छात्र एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत के माध्यम से वे आपस में सीख भी सकते हैं। वे समूह में काम करेंगे, और समूह में काम करने से उनके अंदर जो है सामूहिकता का गुण भी विकसित होता है, और एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे पर विश्वास करना वो सीखते हैं, साथ ही साथ उनका भावनात्मक विकास भी वहाँ पर मजबूत होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बच्चों की गलतियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? चलिए अब चारों विकल्पों को देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे गलतियाँ तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियाँ करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। लेकिन यहाँ पर बच्चों की गलतियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थर्ड है, बच्चे गलतियाँ करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। और फोर्थ है, बच्चों की गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तो यहाँ पर को जो कथन सत्य है उसे हमें पहचानना है, तो यहाँ पर सत्य होगा ऑप्शन फोर्थ,
बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, क्योंकि गलतियां जो होती है जब कोई सीखता है तो निश्चित ही गलतियाँ होती ही है। और सीखने और त्रुटि मतलब जिसे भूल का प्रयास भी कहते हैं, सीखने और भूल का संबंधित प्रयास जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और थानेडाइक के अनुसार व्यक्ति जो है वो अपनी गलतियों और अभ्यास के द्वारा ही नए व्यवहार को सीखता है। तो निश्चित ही गलतियाँ सीखने का हिस्सा होती है, तो यहाँ पर ये कथन सत्य है, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। तो अधिगम की प्रक्रिया के अंदर जो प्रेरणा होती है वो किस प्रकार की हो सकती है? शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, या सेकंड है युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, थर्ड है शिक्षार्थियों की स्मृति तेज करती है, फोर्थ है पुराने तथा नए ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करती है। तो कौन सा उत्तर यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, युवा विद्यार्थी शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। तो देखिए प्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षार्थियों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करती है और विभिन्न लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी ये निर्देशित करती है। तो ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, सीखने रिक्त स्थान आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच रिक्त स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट के लिए, और सेकंड रिक्त स्थान के अंदर होगा संबंधों। तो सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यह हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने के लिए कहते हैं, तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि, तो यह प्रवृत्ति यहाँ पर क्या दर्शाती है? तो यहाँ पर लड़कियाँ नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें कम ऊर्जा की खपत हो, सेकेंड लड़कियाँ बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर सकती है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही यहाँ पर सरासर गलत है, थर्ड है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है, और फोर्थ है यहाँ पर लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो फोर्थ भी यहाँ पर सरासर गलत है, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय के अंदर जो बात लागू हो रही है वहाँ पर पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएँ भी देखने में नज़र प्रश्न में आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा हमारा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान करते हैं और यह सीखने के वातावरण रिक्त स्थान? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं, ऑप्शन फोर्थ जो होगा परिभाषित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावी बनाता है, यहाँ सेकेंड रिक्त स्थान के अंदर होगा कम प्रभावी बनाता है, ऑप्शन फोर्थ हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, तो अनिवार्य शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ इसके अंदर होता है? तो यहाँ पर चार विकल्प थोड़ा सा देख लेते हैं, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, सेकेंड है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, थर्ड है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, और फोर्थ यहाँ पर वर्तमान सरकारें दाखिला उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। देखिए ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला अधिनियम है और दोनों की जवाबदारी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है, तो यहाँ पर वर्तमान सरकार से मतलब हर राज्य की जो सरकारें हैं वो सरकारें उपस्थिति दाखिला और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, तो सभी राज्य की सरकारें यहाँ पर ये कार्य करेंगे और केंद्र सरकार जो है उनके लिए जो सुविधाएं होती हैं उनका जो भाग होता है वो राज्य सरकार तक पहुंचाती है, तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा यहाँ पर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता या शिक्षार्थियों का ज्ञान? तो यहाँ पर योजना की दृढ़ता ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये पाठ योजना या शिक्षण पाठ योजना का
में शामिल नहीं है, क्योंकि शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ योजना है वो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पर योजना की दृढ़ता जो है ये उसमें शामिल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई है, उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की है जो इससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार के असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किस प्रकार संदर्भित किया गया है? फर्स्ट है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सेकेंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है सहयोग की नैतिकता, फोर्थ है विषमतांत्रिक नैतिकता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, सहयोग की नैतिकता। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, हर बच्चा अद्वितीय होता है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, या हर बच्चा अपने और अपने पाठ्यक्रम को बनाता है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित सोच की जो विशेषता ऑप्शन फोर्थ, हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम को बनाता है, ये विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है? तो किससे यहाँ पर जोड़ी जा सकती है? पर्यावरण की भूमिका को स्थिर रूप में देखा जा सकता है, जबकि नियंत्रित अनुवांशिकता को बदला जा सकता है। सेकेंड, यहाँ पर व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफ़ी हद तक प्रकृति पर आधारित हैं। थर्ड, अनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास की विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। फोर्थ है न्याय की नीति पर सरकार की भूमिका प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। निश्चित ही यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा हमारा उत्तर। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार पर्यावरण क्लब, या सार्वजनिक पुस्तकालय? तो देखिए यहाँ पर बात स्वास्थ्य क्लब, पर्यावरण क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय, ये तीनों जो हैं ये हमारे घर परिवार को छोड़ करके अन्य बाहर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर समाजीकरण होता है, साथ साथ हमारे परिवार के अंदर भी बच्चे का समाजीकरण होता है, परंतु परिवार, विद्यालय और जो साथियों के समूह होते हैं ये इनको थोड़ा निष्क्रिय समाजीकरण एजेंसी माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो कौन से कथन से यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है ये सहमत होते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं, यहाँ पर वाइगोत्स्की इस कथन से संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धिमता के साथ जुड़ा हुआ है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, थर्ड विचार करना, फोर्थ है सहानुभूति देना। तो यहाँ पर सहानुभूति देना ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र की जरूरत, हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है? तो विषय केंद्रित, खेल विधि, बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा बाल केंद्रित ऑप्शन थर्ड, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड पाने की इच्छुक है, वह परीक्षा हाल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है, वह बहुत घबरा जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वह ठीक से जवाब देने में असमर्थ हो जाती है, इसका कारण है कि? अब इसका कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? तो इसका कारण है कि हो सकता है वह अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर आश्वस्त ना हो। सेकेंडली, वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में जरूर से ज़्यादा सोच रही है। थर्ड है निरीक्षक, जो कक्षा में ड्यूटी पर है उससे, वह उसके कक्षा अध्यापक हो सकते हैं जो स्वभाव से कठोर हैं। फोर्थ है यहाँ पर हो सकता है कि अकस्मात आए इस भावनात्मक आवेग को सहन करने में वह असमर्थ है। तो देखिए यहाँ पर जो उसके लक्षण हैं वो बताते हैं कि सीमा भावनाएं नियंत्रित करने में अक्षम है। तो यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति उसकी भावनाओं में अचानक आए हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, स्टेनबर्ग ने बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया? तो किसे शामिल नहीं किया है यह हमें देखना है, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभवात्मक या प्रासंगिक? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक। देखिए यहाँ पर बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें स्टेनबर्ग ने बुद्धि के तीन पहलू बताए हैं, और पहला यहाँ पर जो है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक, ये तीन बताए हैं जिन्हें हम घटकी, अनुभवजन्य और
प्रासंगिक भी कह सकते हैं। और ये ऑप्शन सेकंड जो होगा ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक जो सॉरी अधिगम और बुद्धि का सामाजिक जो पहलू है इसको बैंडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निमोनिक रिक्त स्थान से संबंधित है, स्मृति, खेल, विद्यालय या शारीरिक गतिविधि। तो ये स्मृति से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। निमोनिक स्मृति जो होती है ये एक सहायक उपकरण के रूप में होती है और ये उस जानकारी को याद करने में सहायता करती है जिसे याद करना कठिन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ हमारा उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इस समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नई किसी वीडियो के साथ।